हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं दीपक और आप देख रहे हो दीपक शैलर यूट्यूब चैनल को। दोस्तों क्या आप एक फ्लिपकार्ट पे लेटर यूज़र हो? तो दोस्तों आपके लिए एक बुरी न्यूज़ निकल के आ रही है फ्लिपकार्ट पे लेटर की तरफ से। अगर आप अभी फ्लिपकार्ट ओपन करोगे, यहाँ पे माय अकाउंट में जाओगे और फ्लिपकार्ट पे लेटर पे जाओगे तो आपको यहाँ पे एक इस तरह से बैनर दिखेगा। ऊपर की साइड में साफ साफ लिखा गया अब मई 2021 के बाद से आप लोगों को यहाँ पे 1000 रुपये के ऊपर का आप कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे फ्लिपकार्ट पे लेटर की तरफ से या फिर फ्लिपकार्ट पे लेटर से अगर 1000 से ज़्यादा का अमाउंट आप स्पेंड करोगे तो आपको यहाँ पे चार्जेस लगेंगे, 10 रुपये का एक नॉर्मली चार्जेस लगेगा करके यहाँ पे लिख दिया गया। और मैं आप लोगों को क्लियरली बताना चाहूँगा, अगर आप एक फ्लिपकार्ट पे लेटर यूज़र हो तो आपके पास कोई ना कोई बैंक का क्रेडिट कार्ड होगा, क्योंकि फ्लिपकार्ट का मेथड ऐसा है जिसके पास क्रेडिट कार्ड है उसे पे लेटर प्रोवाइड करते हैं। फिलहाल मेरा 7000 का लिमिट है और मेरे पास 8 बैंक के अलग अलग क्रेडिट कार्ड है, तो यहाँ पे मुझे इस मतलब पे लेटर की ज़्यादातर ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैं अगर मेरे पे लेटर की हिस्ट्री आप लोगों को दिखाऊंगा तो मुश्किल से 1-2 बार मैंने इसे यूज़ किया होगा, क्योंकि मैं इसका यूज़ ही नहीं करता। बट अगर इसमें चार्जेस देने वाली बात आती है तब तो मैं इसे यूज़ ही नहीं करूँगा। और ऊपर से यहाँ पे मई 2021 से इन्होंने 10 रुपये चार्जेस स्टार्ट किए, जो कि 1000 रुपये के ऊपर की शॉपिंग करोगे आप पे लेटर से तो जो बिल बनता है आपका 5 तारीख को बिल भरना पड़ता है, उसमें आप लोगों को 10 रुपये एक्स्ट्रा भरने पड़ेंगे। दोस्तों मेरा तो सजेशन है कि यहाँ पे ऐसे मामले में लोग यूज़ ही नहीं करेंगे। हर किसी के पास क्रेडिट कार्ड है आज के दिन में, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है क्रेडिट कार्ड से आप पे करेंगे तो 45 डेज में आपको बिल भरना है और यहाँ पे 35 डेज का टाइम पीरियड मिलता है, तो आप किसका यूज़ करेंगे? तो मुश्किल से अगर किसी के पास क्रेडिट कार्ड नहीं होगा तो वही पे लेटर का यूज़ करेगा। नॉर्मल मेरे जैसा बंदा तो यहाँ पे लेटर का यूज़ नहीं करने वाला है। और अगर उन्होंने और एक बात की, ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे साथ साथ में उन्होंने पब्लिश किया है कि चार्जेस तो लगने वाले, ऊपर में उन्होंने लिखा है कि फीडबैक अपना शेयर किए। दोस्तों मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मतलब ये लोग क्या करना चाह रहे हैं, देखिए आप लोगों को बता तो रहे चार्जेस ले रहे, ऊपर से उनको थोड़ा सा माइंड में चल रहा है कि बाबा चार्जेस ले या ना ले, इसलिए फीडबैक भी ले रहे। इसके ऊपर एक ही सोल्यूशन है, गंदा से गंदा मतलब गालियाँ मत लिखिए, उनको फीडबैक में लिख दीजिए कि बाबा ये चार्जेस लेना ज़रूरी नहीं था, मतलब ये चार्जेस नहीं लेने चाहिए, नॉर्मल हम सब लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते तो मतलब पे लेटर क्यों यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, आप लोग चार्जेस लोगे तो उन्हें आप इस तरह से फीडबैक दे दोगे तो शायद से कि बाबा इस न्यूज़ में वो चेंज कर ले और यहाँ पे उनका फीडबैक वाला मतलब निगेटिव आएगा उसे, मतलब उनके जो सोच के बारे में जो चल रहा है कि मे से वो चार्जेस लेना है तो निगेटिव फीडबैक रहेगा तो लोग सोचे, मतलब वो लोग सोचेगी कि बाबा चार्जेस लेने चाहिए एक्चुअल में नहीं लेने चाहिए, तो उस शायद से वो अपना माइंडसेट भी चेंज करे। अगर फ्लिपकार्ट पे लेटर के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहूँगा, तो अगर आप लोगों को लिमिट मिली होगी तो 5 तारीख उसका बिलिंग डेट होता है, साथ ही साथ आप फ्लिपकार्ट पे लेटर को यहाँ पे मिंत्रा पे भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे यही कुछ न्यूज़ थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि बाबा आपको कैसी लगी। मुझे तो कुछ भी अच्छी नहीं लगी, और एक बात कि मैं यूज़ भी नहीं करता, मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देता हूँ कि मैं यूज़ भी नहीं करता पे लेटर को। बाकी जो लोग यूज़ करते हैं उन लोगों के ऊपर इस न्यूज़ का इफेक्ट होने वाला है। बस मेरी रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा निगेटिव फीडबैक देंगे तो शायद से चार्जेस हट सकते हैं। बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना है। दोस्तों ऐसे इंटरेस्टेड तो नहीं बोल सकते आपके लिए, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूं, तो ऐसे वीडियोज पाने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा और आगे आने वाले बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, मैं जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लेकर आऊँगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास मिलता रहेगा। बस आज के वीडियो में इतना दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।